हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। इससे पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स कंप्लीट हमने पढ़ ली है, तो इसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है कि पहले हम एक पॉइंट की प्रोजेक्शन बनाते थे, जैसे ये मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, 4। इसमें पहले हम पॉइंट की लोकेशन हम डिस्क्राइब करते थे कि किस कोऑर्डिनेट में है, अबव है, बिलो है, वीपी के आगे है या बिहाइंड है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमने लाइंस की प्रोजेक्शन बनानी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वही रहेगी जो पॉइंट्स प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स हमने अंडरस्टैंड किया था। अब इसमें हमने बेसिकली, जैसे ये लाइन है, ये पेंसिल है, ये भी एक लाइन टाइप है, तो हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो और ये चीज़ और इसमें है कि ये आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ना है, इसको हम फर्स्ट एंगल भी बोलते हैं। अगर थर्ड में पढ़ोगे थर्ड एंगल बोलते हैं इसको, हमने इसको फर्स्ट एंगल में ही पढ़ना है। और फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल आपको पता है रिवर्स होता है, अगर आप फर्स्ट एंगल सीख जाओगे तो थर्ड एंगल का क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। तो हम ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें आपने कोई 5 to 6 आपने केस पढ़ने हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केस है इसमें 6 केस है, 6th वाला केस है। तो पहला केस है जैसे लाइन इज़ पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, मतलब कि जो लाइन है इट इज़ पैरेलल टू बोथ, मतलब कि जैसे ये HP है और ये VP है, इन दोनों के पैरेलल है, तो ये ऐसे रहेगी। When line is parallel to both HP and VP, this is the first case। मैं आपको positions roughly बता देता हूँ, फिर हम इसकी projections बनाएंगे। Line is parallel to both HP and VP, तो इसकी projection आप HP के ऊपर भी जाएगी और VP के ऊपर भी जाएगी और पूरी line हमें दिखाई देगी projection में। ठीक है, अब when line is perpendicular to HP, when line is perpendicular to HP ऐसे हो जाएगी, perpendicular to HP is like this and parallel to VP and parallel to VP, this is perpendicular to HP and parallel to VP। और अगर हम ऊपर से देखेंगे मीन्स टॉप भी देखेंगे तो पॉइंट दिखाई देगा, और अगर हम फ्रंट भी देखेंगे इसका तो हमें पूरी लाइन दिखाई देगी VP के ऊपर, तो VP के ऊपर पूरी लाइन दिखाई देगी और HP के ऊपर एक पॉइंट दिखाई देगा हमें। थर्ड इज़ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू VP, परपेंडिकुलर टू VP ऐसे हो जाएगा एंड इज़ पैरेलल टू HP, तो इस केस में फ्रंट व्यू में हमें सिर्फ VP के ऊपर पॉइंट दिखाई देगा और जो टॉप व्यू है उसमें हमें पूरी लाइन दिखाई देगी। ठीक है, लाइन इज़ इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP, व्हेन लाइन इज़ इंक्लाइन टू HP, पहले पैरेलल थी अब ये ऐसे हो गई है, व्हेन इज़ इंक्लाइन टू HP, HP के इंक्लाइंड है। ठीक है, और VP के पैरेलल आप देख सकते हैं, और जब ये इंक्लाइंड है तो आप VP के ऊपर पूरा हमें दिखाई देगी लाइन ये, क्योंकि जब जहाँ से देखेंगे हम फ्रंट व्यू तो VP के ऊपर पूरी लोकेशन, पूरी इसकी डायमेंशन आएगी, ये पूरी शेडो आएगी, पूरा इसकी प्रोजेक्शन आएगी। बट HP में जब ऊपर से देखेंगे आप तो ये कंप्रेस्ड दिखाई देगी, हमें छोटी दिखाई देगी। ठीक है, तो वो बनाएंगे अभी। व्हेन लाइन इज़ इंक्लाइन टू VP, वो इंक्लाइन टू VP, पहले पैरेलल टू VP ऐसे था, इंक्लाइन टू VP ऐसे हो जाएगा और पैरेलल टू HP। अब इस केस में टॉप व्यू में पूरी लाइन दिखाई देगी, लेकिन जो इसका फ्रंट व्यू है वो कंप्रेस्ड दिखाई देगा हमें। और लाइन इज़ इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP, ये थोड़ा केस अलग है, जब दोनों की इंक्लाइंड होती है ये हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो जो पहला वाला केस है, अगर मैं बताऊँ आपको फर्स्ट केस, उसमें प्रोजेक्शन कैसे बनती है लाइन की, केस 1। ठीक है, लाइन इज़ पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, और इस केस में मान लो ये XY लाइन है आपकी, ऊपर होता है VP, नीचे होता है HP। ठीक है ना, हम फर्स्ट एंगल की बात कर रहे हैं। लाइन इज़ पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, जब दोनों के पैरेलल होगी तो पूरी हमें लेंथ जो है, अगर लाइन की लेंथ 30 mm है तो 30 mm ही दिखाई देगी हमें VP पे भी और HP पे। तो फ्रंट व्यू मान लो लाइन कुछ ऊपर है, मान लो से 10 mm ऊपर थी, 20 mm ऊपर थी, और लेंथ इसकी मान लेते हैं हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, से 20 mm ऊपर है। ठीक है, 20 mm ऊपर जाके हमने एक और 20 mm ही आगे है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन जाएगी एक लाइन। से लाइन की लेंथ कितनी है, 40 mm। ओके, अब इसी की अब मैंने आपको बताया था कि जो फ्रंट व्यू हमारा था, ये VP है ना, VP में हमेशा फ्रंट व्यू बनता है और ये HP है। अब मैंने बताया था आपको कि VP में जो पॉइंट होते हैं उसका नाम होता है, ये दो पॉइंट होंगे ना, लाइन के दो एंड्स होते हैं ना, A' और B'। ठीक है, दिस इज़ फ्रंट व्यू। अब इसी को आप नीचे ले आइए प्रोजेक्शन, इसी की लाइट बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से इसको ले आइए। तो इक्वल सेम टाइप की जो है नीचे बनेगी इसकी प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे AB।
A, B. This is front view and this is top view. This is first case. ये आगे लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, लाइन की प्रोजेक्शन जिसमें बोथ पैरेलल टू एच पी एंड वी पी. अब सेकेंड केस देखते हैं क्या है. सेकेंड केस है लाइन इज परपेंडिकुलर टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी. अब एच पी के परपेंडिकुलर है तो ऊपर से जब देखेंगे तो हमें पॉइंट दिखाई देगा, और जब साइड से देखेंगे यानी कि फ्रंट से देखेंगे तो हमें पूरी लाइन दिखाई देगी. ठीक है, तो लेट्स मेक ए एक्स वाई लाइन. उसमें मैंने बताया आपको परपेंडिकुलर टू एच पी, पैरेलल टू वी पी. वी पी के पैरेलल है तो वी पी के पैरेलल है तो पूरी लाइन दिखाई देगी हमें. से ये एक लाइन दिखाई दे रही है. इसके जब ऊपर से देखोगे तो ये एक आपको से यहाँ पर कोई पोजीशन है इसकी, एक डॉट दिखाई देगा. तो ये पूरी लाइन दिखाई देगी ऊपर से. दिस इज़ ए डैश बी डैश, और ये आ गया आपका ए और बी, दोनों पॉइंट ए की जगह पे आएंगे क्योंकि ये लाइन जो है टॉप से जब देखेंगे तो ए की छोटा पॉइंट दिखाई देगा. तो दिस इज, दिस विल बी फ्रंट व्यू एंड दिस विल बी टॉप व्यू. दिस इज वी पी, दिस इज एच पी. थर्ड केस क्या है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू वी पी एंड पैरेलल टू एच पी. अब इस केस में परपेंडिकुलर टू वी पी है, वी पी के परपेंडिकुलर है तो हमें जब फ्रंट से देखेंगे तो एक डॉट दिखाई देगा और एच पी की पूरी लाइन दिखाई देगी. ठीक है, इसका रिवर्स होगा. दिस इज एक्स वाई लाइन. पैरेलल परपेंडिकुलर टू वी पी एंड पैरेलल टू एच पी. हाँ, एच पी में हमें पूरी लाइन दिखाई देगी. से ये पूरी लाइन है इसकी, इतनी लेंथ है. ठीक है, और ये ऊपर जब जाएगा लाइट लाइट बिल्कुल, और यहाँ बनेगा हमारा एक डॉट, और ये मान लो ए बी. दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश एंड बी डैश. दिस इज वी पी, दिस इज एच पी, दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू. ओके, नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ केस. फोर्थ केस इज लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू वी पी. इसमें मैंने आपको बताया था इंक्लाइन टू एच पी ना, ऐसे है इंक्लाइन टू एच पी है तो वी पी के ऊपर पूरी लाइन दिखाई देगी, और एच पी के ऊपर जब टॉप से देखेंगे तो कंप्रेस्ड दिखाई देगी. तो ये कैसे बनाएंगे हम. दिस इज एक्स वाई लाइन. अब ये इंक्लाइन टू एच पी है, इंक्लाइन टू एच पी जो है ऐसे ही दिखाई देगी. वो से कुछ भी एंगल इंक्लाइन होगा, से 30 डिग्री 40 डिग्री, वो क्वेश्चन में जब दिया होगा आपको उस टाइम हम देखेंगे क्या है. ये डार्क बनानी है आपने लाइन. ये आ जाएगा आपका एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, ए डैश बी डैश. से कोई एंगल इंक्लाइंड है से थीटा, कोई एंगल दिया होगा आपको क्वेश्चन में, थीटा मान लेते हैं. ओके, इसी की प्रोजेक्शन आप नीचे लेके आओगे, और नीचे जो एक बनेगी लाइन ये कंप्रेस्ड बनेगी, छोटी बनेगी. शेडो हमेशा छोटी बनती है. तो ये आपके पॉइंट आ गए ए और बी, ए एंड बी, और ये छोटा होगा इससे. ठीक है, ए और बी, दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू. ठीक है, वी पी एंड एच पी. ये हो गया फोर्थ केस. फिफ्थ केस यहाँ बनाते हैं. फिफ्थ केस इसका रिवर्स है. इसमें क्या, लाइन इज इंक्लाइन टू वी पी पी के इंक्लाइंड और पैरेलल टू एच पी है. ठीक है, जब वी पी के इंक्लाइंड होगी एक्स वाई, वी पी के इंक्लाइंड है और एच पी के पैरेलल है, एच पी के पैरेलल है, वी पी के इंक्लाइंड है, ऐसे. ठीक है, तो एच पी के ऊपर पूरी लाइन दिखाई देगी हमें. से कोई लाइन है, ठीक है, वो इंक्लाइंड रहेगी. दिस इज ए बी, कुछ इसका एंगल होगा, है ना, से थीटा. ये इसके दो पॉइंट. अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमें इसकी कंप्रेस्ड इमेज दिखाई देगी हमें. दिस इज ए डैश बी डैश, दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू. ओके, दिस इज वी पी, दिस इज एच पी. तो ये पांच केस थे.
अब इसके बाद जो सिक्स्थ केस है वो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।